मंडे के टॉप 10। भाई पहले तो कैबिनेट मीट जो फ्राइडे को हुई थी उसके आउटकम के चलते कोई BEML, कोई टीटागढ़, कोई कल्पतरू, ये सब रडार पर रहेंगे। कैबिनेट ने 34,000 करोड़ के मेट्रो और एयरपोर्ट फैसिलिटीज के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, इसीलिए ये सब हरकत में रह सकते हैं। डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज, कोई लार्सन एंड टूब्रो, कोई भारत फोर्ज रडार पर रहेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी ने 6,500 करोड़ रुपए के 400 हॉविट्जर गन सिस्टम्स प्रोक्योर करने का टेंडर जारी करा है। ये लाइकली कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो बिड करेंगे। हिंदुस्तान जिंक आज रिटेल के लिए OFS खुलेगा। फ्राइडे को नॉन रिटेल से फीका रिस्पांस था। हाँ, बेस इशू से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला, पर ओवरऑल ग्रीन शू मिला लें तो काफी फीका रिस्पॉन्स देखते हैं। इसीलिए शायद ये देखिए दबाव के साथ ही ट्रेड आज भी कर रहा है। ONGC ऑयल इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स फिर रिड्यूस कर दिया इस फोर्टनाइटली रिव्यू में, 54% का तगड़ा रिडक्शन। मारुति डिफर्ड टैक्स के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, Q2 में 850 करोड़ रुपए का इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डेट फंड्स पे इंडेक्सेशन का फायदा हटने का खामियाजा भुगतेंगे। BSE इसने फ्राइडे की बोर्ड मीट में अनाउंस करा कि वो डिफर्ड रेगुलेटरी फी जो सेबी ने डायरेक्ट करी थी वो दिए जाएगी, 167.33 करोड़ रुपीज देंगे। प्रोविजनिंग कर रखी थी ऑलरेडी 169.77 करोड़ रुपीज की, इसीलिए BSE आज रडार पे। लार्ज ट्रेड में ब्रेन बीज में, यानी कि फर्स्ट क्राई में नुपुना ने चंक खरीदा था, और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में बजाज, यानी कि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने माल छोड़ा था जिसको खरीदा किसी SBI, MF, गवर्नमेंट पेंशन फंड, ग्लोबल, टेम्पल्टन वगैरह ने। एक सिंस का स्टैक दिखाता हूं, यानी कि स्टॉक्स इन यूज का स्टैक। GMR एयरपोर्ट्स अपने जुलाई अपडेट, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, क्योंकि नए MD CEO साहब को RBI से मंजूरी मिलती हुई, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा प्लांट लगाना चाहते हैं, DCX सिस्टम को ऑर्डर मिला, कैपलिन पॉइंट इसीलिए क्योंकि इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को ब्राजील के रेगुलेटर से जीरो ऑब्जर्वेशन मिला। सरकारी बैंक्स पूरे रडार पर रहेंगे, SBI और सारे सरकारी बैंक्स, क्योंकि वित्त मंत्री आज इन सब के साथ मोदी 3.0 में पहली बैठक इन लोगों के साथ होनी है, कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडा है जिसके चलते सब रडार पर रहने वाले हैं। और अभी चर्चा हो ही रही थी PVR INOX, हालांकि फ्राइडे को 5% का मूव था, पर स्त्री 2 के बॉक्स ऑफिस इंडिया कलेक्शंस 190 करोड़ रुपीस पे, शायद बट ऑब्वियस है वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का मार्क। ये कंपनी मूवी 4 दिनों में पार कर गई, 50 करोड़ की लागत से बनी, 4 दिन में 4 दिन में 4 गुना वाला मामला है। आज भी इसीलिए PVR INOX हरकत पे। कुल मिलाकर अच्छी शुरुआत है मार्केट की है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर, मुझ से निफ्टी निकला तो हो सकता है निफ्टी भी हो जाए, लेकिन ये सेक्टोरल ब्रेथ इस समय सारे सेक्टर्स ग्रीन में। अब मैं एक व्यू लेकर चल रहा हूँ, मार्केट में करेक्शन खत्म हुई 8 अगस्त को मैंने पहली बार ये व्यू लिया था कि हम इसी महीने ऑल टाइम हाई हिट करेंगे, वो भी मैंने कंसिस्टेंटली मेंटेन रखा और मैं अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ उसको। इस मार्केट ने अब अगर ये सब ठीक हुआ तो एक चांसेस हैं, आपने एक डबल बॉटम बनाया और मार्केट अब तैयार है ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए। एक अच्छा मोमेंटम भारतीय बाजारों ने आज पकड़ा, 400 पॉइंट ऊपर निफ्टी 50 जाकर बंद हो रहा है 24,500 के ऊपर। तो ये इनफैक्ट एक अच्छी ट्रैजेक्टरी भारतीय बाजारों ने पिछले हफ्ते आपको दिखाई। थोड़ा सा डर भी था कि क्यों 24,999 का लो देखने को मिला, लेकिन अनुज आज के लिए बताइए क्या लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए खास तौर से, क्योंकि जो ओपनिंग है वो वाकई में काफी मजबूत ओपनिंग है। बिल्कुल, देखिए अभिजता, अब हम 20 DMA के ऊपर एक अच्छा खासा कुशन क्रिएट कर रहे हैं और निफ्टी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ। लॉन्ग रहें इस मार्केट में, अपना क्लोजिंग स्टॉप लॉस, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा कर ले आएँ 24,400 पर, जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। देखिए, अगर आपने फ्राइडे को ही बाय किया था तो भले आप हाफ प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे को अच्छी रैली प्लस आज अगर 100 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है वो एक अप्रोच हो सकती है। रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 24,700 से 24,750 ऑप्शंस के हिसाब से, मुझे लग रहा है वो एक जोन होगा जहां पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और उसके बाद 24,800 से 24,850 पर बड़ी रेजिस्टेंस है चार्ट के हिसाब से, क्योंकि अगर वो क्रॉस हुआ
तो उसके बाद सीधा ऑल टाइम हाई। तो इसके लिए ये लेवल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे। बाय सपोर्ट कहाँ पर है, पहले 24,400 से 24,450 जहाँ आपका 20 डेमा है और ऑप्शंस के हिसाब से, और अगर वैसे बेस केस नहीं है बाय चांस से टूट गया जो होना नहीं चाहिए तो 24,200 से 24,250। बाय जोन कहाँ पर है, अगर आप देखिए ये इतनी बड़ी रैली के बाद फिर 100 पॉइंट के गैप अप पर आप बाय नहीं कर सकते, थोड़ा तो आपको रिएक्शन का वेट करना पड़ेगा। 24,450 से 24,550 इवन 24,575 तक अगर मिल जाए लेवल तो बाय करने का जोन होगा, और उसमें ऐड करने का जोन होगा 24,350 से 24,450। स्टॉप लॉस रहेगा आपका करीब करीब 24,200 का। बैंक निफ्टी पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं आज, क्योंकि एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसने 100 डेमा पर एक डबल बॉटम बनाया तो 51,100 के आसपास तक अगर ये चला गया तो शायद और शॉर्ट कवरिंग बढ़े, लेकिन वो मार्केट ओपनिंग के बाद देखेंगे हम। स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि